वेलकम फ्रेंड्स, आप भी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं इफेक्ट मीनू के अंतर्गत लेंस के बारे में। लेंस का शॉर्टकट है Alt+F3। इससे पहले इसके दो वीडियो बना चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था SI हेड क्लर के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इन्वर्ट, मैग्नीफाई, इन बचे हुए सभी ऑप्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि कुछ दोस्तों का कमेंट है कि वो RGB कलर यूज़ करें या फिर CMYK। तो प्रिंटिंग के लिए अगर आप कोई मैटर बनाते हैं तो आप CMYK कलर यूज़ करें। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई मैटर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप RGB यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में वीडियो बनाएंगे। बस इतना आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रिंटिंग के लिए CMYK और अगर आप सोशल मीडिया या फिर कोई वीडियो के लिए मैटर बना रहे हैं तो RGB यूज कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ, लेंस में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं इन्वर्ट। पहला ऑप्शन इन्वर्ट का है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर। अगर यहाँ पर मैं इन्वर्ट करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इन्वर्ट अप्लाई करते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। जो वाइट पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा और जो ब्लैक पार्ट है वो वाइट हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर है तो ये वाइट हो जा रहा है और यहाँ पर वाइट है तो ये ब्लैक हो जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग कलर पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। जैसे कि मैं रेड पर रख देता हूँ तो इस तरीके से, ग्रीन पर इस तरीके से, और ऑरेंज, येलो, तो इस तरीके से आप इन्वर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है मैग्नीफाई का। मैग्नीफाई से आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जूम करके देख सकते हैं। मैग्नीफाई से जैसे मैं मैग्नीफाई अप्लाई कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इतना पार्ट आपको जूम करके दिखा रहा है, यानी बड़े में दिखा रहा है। अगर कहीं छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप उस मैटर को बड़ा करके नहीं देखना चाहते हैं, छोटे में ही देख लेना चाहते हैं, तो आप मैग्नीफाई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं। मैं 2 की जगह 3 कर देता हूँ तो जो ये टेक्स्ट इसमें दिख रहे हैं ये और बड़े बड़े दिखेंगे। अप्लाई करता हूँ, अब इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट और मैं छोटा कर देता हूँ, अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। इस पर मैं मैग्नीफाई अप्लाई करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कहीं आपको अवसर मिलता है तो इसका यूज ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रोजन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप इतना पार्ट अलग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन लगभग सभी इफेक्ट में आपको देखने को मिला है। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है ट्रेंडिंग ग्रे स्केल। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इतना पार्ट ग्रे स्केल में हो जाएगा जितने में मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। ट्रेंडिंग ग्रे स्केल जैसे अप्लाई करेंगे तो ये कलर आ जाता है, जो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रे स्केल सेट करता हूँ और फिर अप्लाई करते हैं तो ये पार्ट ग्रे स्केल हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ रेड कलर, तो इसका इफेक्ट रेड कलर में आएगा इस तरीके से। और इसको भी आप फ्रोजन कर सकते हैं या फिर व्यू प्रिंट या फिर रिमूव फेस भी कर सकते हैं, रिमूव। तो इस तरीके से आप टेंटेड ग्रे स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी आपको टूल बार में भी देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे इस पर हम, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंदर के पार्ट भी दिख रहे हैं और जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है वो भी दिख रहा है, तो इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। टूल बार में जाएंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कलर इसका मैं वाइट कर देता हूं। टूल बार में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उसी प्रकार से। यहाँ से भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और लेंस से भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है वायर फ्रेम का। वायर फ्रेम व्यू मेनू के अंतर्गत आपको भी मिल जाते हैं। यहाँ से वायर फ्रेम,
और लेंस का भी वायर फ्रेम अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ, बोल्ड भी कर देते हैं। अभी ये ब्लैक कलर में है, इसमें आउटलाइन भी लगा देते हैं राइट क्लिक करके। अब ये वाइट हो जाएगा जैसा कि वायर फ्रेम अभी किए थे। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट आएगा वायर फ्रेम का। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।